दोस्तों, हमारे पिछली वीडियो में हमने रतन टाटा के जीवन के सफर को जानने की कोशिश की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आज के वीडियो में हम क्यों रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाया, इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बायोग्राफीज, बुक समरीज और मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 2012 को 75 साल की उम्र में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया और साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया। 4 सालों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 24 नवंबर 2016 को किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना ना देते हुए, अपनी सफाई का मौका ना देते हुए रतन टाटा और टाटा सन्स के बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाया। इससे कारपोरेट जगत में हड़कंप मचा। रतन टाटा पर तानाशाह होने के आरोप लगे। मामला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो रातों रात इस तरीके से साइरस मिस्त्री को हटाया गया? पहले लगा मामला किसी बड़े फ्रॉड का होगा या कंपनी में हुए किसी बड़े लॉस का होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये मामला प्रॉफिट और लॉस से ज़्यादा मूल्यों को संभालने का था। 100 सालों से टाटा कंपनी अपने जिन मूल्यों के लिए जानी जाती है, ये मामला उन मूल्यों को ठेस ना लगे इसका था। ये मामला सोचने के तरीके में फ़र्क का था। नवंबर 2008 में एनटीटी डोकोमो ने टाटा टेली सर्विस में लगभग 13,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके 26.5% स्टेक लिया। तब टाटा और डोकोमो के बीच ये तय हुआ था कि डोकोमो जब भी वापस जाना चाहे तब जा सकती है। अगर इस बिजनेस से लॉस होता है तो टाटा को डोकोमो को उन्होंने 2009 में की हुई इन्वेस्टमेंट की आधी रकम देनी होगी। पुरानी टेक्नोलॉजी और बढ़ते कंपटीशन के कारण टाटा डोकोमो घाटे में जाने लगी। ऐसे में 25 अप्रैल 2014 को डोकोमो ने अनाउंस किया कि वो अपने शेयर्स को बेच के इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री छोड़ना चाहते हैं। उस वक्त तक टाटा कंपनी में बदलाव हो चुके थे। रतन टाटा की जगह पर साइरस मिस्त्री चेयरमैन बन चुके थे। डोकोमो ने टाटा को नया बायर खोजने के लिए कहा, पर टाटा ग्रुप नया बायर खोजने में असफल रहा। एग्रीमेंट के मुताबिक डोकोमो ने टाटा ग्रुप से 2009 में उन्होंने की इन्वेस्टमेंट की आधी रकम मांगी, पर साइरस मिस्त्री को लगा एक खराब बिजनेस डिसीजन होगा, इसलिए उन्होंने रिजर्व बैंक के कुछ नियमों को आगे करके डोकोमो को पैसे देने से इनकार किया। इस पर डोकोमो ने लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में टाटा के खिलाफ केस कर दी। 100 सालों से जी जान से जिन वैल्यूज़ के लिए टाटा जानी जाती थी वो रेपुटेशन दांव पर लगा था। टाटा एक बार अरबों का नुकसान सहन कर सकती है, पर किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती। साइरस मिस्त्री ने पैसों को बचाने के लिए टाटा के सिद्धांतों से समझौता किया था। ये बात रतन टाटा और टाटा सन्स के बोर्ड को हजम नहीं हुई और जिन साइरस मिस्त्री को ढूंढ के लाया था उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के रातों रात कंपनी से बाहर कर दिया गया और एक दिन में ही कोर्ट में डोकोमो के साथ हिसाब सेटल किया और अपने मूल्यों और सिद्धांतों को कायम रखा। दोस्तों, क्या आपको लगता है रतन टाटा ने गलत किया? अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।